हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए कुछ ऐसे एप्लीकेशन लेके आऊँ जो आपके लिए बहुत ही खास है और आपने दैनिक जीवन में इसका बहुत ही प्रयोग है। दोस्तों, इस एप्लीकेशन की मदद से आप बहुत ही अच्छा अच्छा काम करके बहुत ही आसान तरीके से अपना काम को निपटा सकते हो। तो फ्रेंड्स, कौन सा एप्लीकेशन है? आप लोगों में से बहुत से लोग इन एप्लीकेशन को जानते भी होंगे। तो फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और भी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, जितने भी एप्लीकेशन मैं बताऊँगा इस वीडियो के अंदर, तो सब के सब एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। बाकी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, मैं यहां पे स्टार्ट करता हूं वीडियो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल घंटी को प्रेस कीजिए, जिससे कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। क्योंकि फ्रेंड्स, हर रोज मैं ऐसे नए टिप्स और ट्रिक लेके आपके लिए लेके आता रहता हूं। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जानी होगी। फर्स्ट एप्लीकेशन की बात किया जाए, यहां पे आपको मिलता है यहां पे बैकग्राउंड इरेजर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बैकग्राउंड इरेजर से सर्च करेंगे, आपके सामने बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे जो बैकग्राउंड इरेजर है। तो फ्रेंड्स, आपको नाम से ही पता होता होगा, जैसे बैकग्राउंड इरेजर, इनमें से मैंने इंस्टॉल कर रखा है, इसका क्या काम हो सकता है? तो फ्रेंड्स, आपको जैसे भी कोई फोटो क्लिक करते हो, उसका बैकग्राउंड चाहते हो इरेज करना, मतलब बैकग्राउंड जो है यहाँ पे हटाना चाहते हो, इसको चेंज करना, और यहाँ पे बैकग्राउंड में दूसरा कोई इरेज करके दूसरा बैकग्राउंड लगाना चाहते हो, तो बहुत आसान तरीके से लगा सकते हो। इसके पहले इरेज करना पड़ता है, तो ये है इरेजर। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट का, तो कॉपी ऑन स्क्रीन। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही खास एप्लीकेशन है, कॉपी ऑन स्क्रीन। तो फिर इसका क्या मतलब होता है? तो दोस्तों, कई बार क्या होता है, आप कोई शॉट या कोई फोटो होती है, उस पर कुछ टैक्स होते हैं, कुछ लिखा हुआ होता है, तो उसकी क्या होती है, आपको ज़रूरत होती है उस टैक्स की, चाहते हो कि भाई ये जो फोटो पे जो लिखा हुआ वर्ड है, मैं इसको अपने यूज़ में ले सकूं, ठीक है? तो उसके लिए ये जो एप्लीकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं दिखाता हूं, सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे टेकअप करने की कोई भी इमेज। ओके फ्रेंड्स, जैसे मेरे पास एक इमेज है यहाँ पे, और इस पर कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। तो इसको क्या करना है, ओके कर देना है। आप उसके बाद जैसे ओके करोगे, यहाँ पे एक्सट्रैक्टिव होना शुरू हो जाएगा, यानी जो भी इस पर वर्ड लिखा हुआ है, जो भी इमेज पे, वो क्या टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। देख सकते हो, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ था वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ऐसे टैप करके आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे इसको पेस्ट करनी, जहाँ पे रखनी हो पे रख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट की बात किया जाए, यहाँ पे बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन यहाँ पे आया, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं देखा हूँ कि बहुत से लोग यहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग इमेजेस के लिए सर्च करते हैं अलग अलग एप्लीकेशन के नाम से। इस एप्लीकेशन अंदर दोस्तों, जितना भी इसका ब्राइटनेस उतना ही कम है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर मैंने देखा है, जितने भी जो भी टूल्स आपको, जितने भी जैसे भी इमेज चाहिए, वो इमेजेस यहाँ पे इस इमेज सर्च मैन में अवेलेबल है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ HD वॉलपेपर, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने एक कुछ सर्च कराया कि HD वॉलपेपर इमेजेस आ गए, जो आप यहाँ पे कोई भी इमेज यहाँ पे लेके अपना बैकग्राउंड पे लगा सकते हो। ओके फ्रेंड्स, और जो भी यहाँ पे चाहिए, आप यहाँ पे सिंपली आपको सर्च करनी है, ठीक है? अभी अगर लैपटॉप की बात करें, लैपटॉप वॉलपेपर चाहिए, तो आपको अलग अलग लैपटॉप के लिए वॉलपेपर पे मिल जाएंगे। तो जो भी चाहिए यहाँ पे आपको वॉलपेपर, हर HD क्वालिटी में, 4K, अल्ट्रा HD में, जैसे चाहो वैसे यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, ओके, इसके बाद एक नेक्स्ट की बात किया जाए, यहाँ पे टैब स्कैनर, इसका बहुत ही खास यूज़ है दोस्तों, क्योंकि आजकल जो डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए लोग डायरेक्टली फोटो डायरेक्टली अपने कैमरा का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे कई सारी दिक्कतें होती है। उसके बाद स्कैनिंग की बात की जाए, कंप्यूटर से स्कैन जो होती है वो अलग क्वालिटी की होती है, लेकिन मोबाइल से आप स्कैन करते हो, डायरेक्टली कैमरा करते हो, उसकी जो है अलग क्वालिटी मिलती है। लेकिन इसमें से बहुत सारे यहाँ पे आप टैब स्कैनर के नाम से स्कैनिंग का अगर यहाँ पे डालोगे या प्ले स्टोर पे, तो बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाते हैं। इसमें से मैंने एक यूज़ कर रखा है, यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे देख सकते हैं एक मेरे पास डॉक्यूमेंट है, इसको इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे इसको ओपन किया, देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ आपके सामने, और इसको स्कैन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे स्कैनिंग हो गया, और इसमें आपको बहुत सारे ऑटो कट, इरेजर, या फिर इसको साइज साइज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं। इसको आप साइड से, ऊपर नीचे से, जहाँ चाहो वहाँ पे क्रॉप कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने परफेक्टली रूप से यहाँ पे क्रॉप कर चुका, उसके बाद इसको ओके कर देना है। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप पे आता है आपका ऑटो करेक्शन। यहाँ पे देख सकते हो कितना ब्लैक था, लेकिन यहाँ पे कितना अच्छा, मतलब क्वालिटी में आपको वाइट में जितना भी चाहिए वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, इसको आप चाहते हो कम बेशी करना, इसका लाइट यहाँ पे जो भी है यहाँ पे कम भी कम ज़्यादा कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो क्वालिटी मिलती है आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैनिंग का, जैसे आपको कंप्यूटर से करते हो, उसी तरह से हमने मोबाइल से भी इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, आप एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसका तो यूज़ सब लोग करते होंगे, तो ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है? और नेक्स्ट की बात करें फोटो कन्वर्टर, कई बार क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आपके पास कुछ फाइल होती है, जीरो फाइल होती है, अब चाहे तो फाइल को PDF में कन्वर्ट करना, या फिर किसी भी फाइल में कन्वर्ट करना। ओके फ्रेंड्स,
तो आप एक मैं ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जो किसी भी फाइल में आप कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे PDF में, JPG में, TNG में, किसी भी फाइल से किसी भी फाइल में आप कन्वर्ट कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पे बहुत से एप्लीकेशन मिल जाते हैं फाइल फोटो कन्वर्टर के नाम से, फोटो हुआ कोई भी चीज़ हुआ आप बहुत ही आसान तरीके से कन्वर्ट कर पाओगे। तो उनमें से मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखा है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास फोटो कन्वर्टर ट्रांसफॉर्म फोटो के नाम से यहाँ पे एप्लीकेशन मौजूद है। और इसको जैसे मैंने ओपन किया, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे प्रीमियम वर्जन है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 3 डेज़ का ट्रायल मिलती है, आप चाहती इसको रजिस्ट्रेशन करके आप ऑल टाइम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं, तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो जो आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगा होगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने 5 ऐसे एप्लीकेशन के मैं बताया जो आपके लिए बहुत ही खास जरूरी है, आपके जो दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा इसका यूजेज हैं। ठीक है, आप चाहते हो इसके नाम से बहुत सारे एप्लीकेशन है, आप जो भी पसंद अलग अलग ट्राई कर सकते हो उस एप्लीकेशन को, और अपने जो काम में वर्क में जो है यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स ऐसे नए टिप्स और ट्रिक पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी प्रेस कीजिए, जिससे कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको ही मिले। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आपके साथ फिर से एक बार मिलते हैं।